हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन मीन्स परिवर्तन, है ना। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किए जा सकते हैं, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल। प्रोपीन से फर्स्ट दिया हुआ है प्रोपीन, प्रोपीन टू प्रोपेन, प्रोपेन वन ऑल, है ना। प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्रोपीन ही लेंगे। प्रोपीन स्टेप फर्स्ट में, ये टू स्टेप्स में कंप्लीट होगा। स्टेप फर्स्ट में हम लेंगे प्रोपीन। प्रोपीन मीन्स तीन कार्बन की चेन, यानी कि CH3 CH और यहां पर डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया प्रोपीन। और इसकी जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे किससे, HBr से, HBr से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी रिएक्शन अगर HBr से करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 मींस पराऑक्साइड की उपस्थिति में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इस पे प्लस का चार्ज आ जाएगा और इस पे माइनस का चार्ज, है ना। और यहां पर देखिए ये बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड, ये ब्रेक होके और इन दोनों की कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी यहां पर। तो यहां पर हो जाएगा CH3 CH और यहां पर सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर देखिए एक एक वैलेंसी इसकी फ्री हो गई। अब यहां पर ऑक्साइड की उपस्थिति में जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनी का रूल अप्लाई होगा, मींस नेगेटिव पार्ट विल गोज टू हायर हाइड्रोजन, मींस नथू लाल हरा हल भाई, है ना, नथू हरा हल भाई, नेगेटिव पार्ट विल गोज टू हायर हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट जो है वो हायर हाइड्रोजन के पास जाएगा, है ना। तो यहां पर देखिए हायर हाइड्रोजन यहां पर है, तो यह Br यहां पर जुड़ जाएगा और H यहां पर जुड़ जाएगा, है ना। तो यहां पर हो जाएगा वन ब्रोमो और मेथ एथ प्रोपेन, वन ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। और यहां पर हम वन ब्रोमो प्रोपेन को स्टेप सेकंड में हम लेंगे, स्टेप सेकंड में वन ब्रोमो प्रोपेन को, है ना, CH3 CH2 CH2 Br। और इसकी रिएक्शन हम किससे करवा देंगे, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, है ना, मीन्स KOH से। यहां पर हम NaOH भी ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं, है ना, बट यहां पर KOH इसलिए लिया गया है, यहां पर हम बेस ही लेंगे, है ना, NaOH ले या फिर KOH ले। NaOH इसलिए नहीं लिया जाता है, यहां पर नहीं लिया है क्योंकि KOH जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है पोटेशियम, है ना। तो यहां पर देखिए इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये जैसे यहां पर ब्रेक होगा तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे निगेटिव चार्ज है। अब यहां पर देखिए पॉजिटिव गोज टू निगेटिव, है ना, यानी कि पॉजिटिव जो है वो निगेटिव के पास जाना चाहता है, तो यहां पर बी आर और के, यानी कि के बी आर यहां से बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2 और CH2 यहां से OH, है ना। यहां पर हमें मिल गया CH3 CH2 CH2 OH, है ना, और इसी का नाम है, इसका नाम क्या है, यहां पर देखिए ये हो गया मेथ एथ प्रोप हो गया, है ना, तो ये हो जाएगा प्रोप वन ऑल, यहां पर ऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना, प्रोप वन ऑल ये हो गया, तो हमें प्रोपीन से प्रोप वन ऑल मिल गया, है ना। इस प्रकार से ये टू स्टेप्स में कंप्लीट होता है। अब हम आगे बात करेंगे दूसरे कन्वर्जन की, दूसरा कन्वर्जन क्या है, दूसरा कन्वर्जन है यहां पर एथेनॉल से ब्यूट वन आयन,
एथेनॉल टू ब्यूट वन आयन। अब यहां पर देखिए एथेनॉल, एथेनॉल मीन्स सी एच थ्री सी एच टू ओ एच एथेनॉल हो गया, और इससे हमें कन्वर्ट क्या करना है, ब्यूट वन आयन मीन्स उस चार कार्बन की चेन में कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कि पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ये हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू और ये हो जाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अब यहां पर देखिए ये तो ये वन टू थ्री फोर चार कार्बन की चेन है, और यहां पहले ही कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हो गया ब्यूट, चार कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे, और यहां पर पहले ही कार्बन पे वन ट्रिपल बॉन्ड है तो वन आयन लिख देंगे उसके सफिक्स में, है ना। अब हमें कन्वर्ट करना है, तो हम सबसे पहले लेंगे इथीन, इथाइन लेंगे, है ना, इथाइन मीन्स सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और इसकी रिएक्शन अगर हम करवा दें सोडियम एमाइड से मीन्स एन ए एन एच टू, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एन एच थ्री, और वहां पर टेम्परेचर रहेगा 196 केल्विन। अब यहां पर देखिए ये हमें मिल जाएगा सी, अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इससे पॉजिटिव चार्ज, है ना, तो यहां से ये निकल जाएगा NH3 के रूप में, है ना, और यहां से हमें कन्वर्ट ये मिल जाएगा CH, और यहां पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर निगेटिव चार्ज Na पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये मिल गया, और इसे हम बोलते हैं सोडियम एसिटिलाइड, सोडियम मीन्स सोडियम एसिटिलाइड इसे हम बोलते हैं, है ना। अब यहां पर देखिए ये स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में हम इथेनॉल लेंगे, है ना, मीन्स सी, हाँ स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में हम करेंगे इथेनॉल लेंगे, मीन्स सी एच सी एच थ्री सी एच टू ओ एच। अब इसकी क्रिया हम किससे करवाएंगे, इसी क्रिया हम करवा सकते हैं एच सी एल से, एच सी एल और एस ओ सी एल टू मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर थायमिल क्लोराइड, है ना, इसकी क्रिया हम इससे करवा सकते हैं, और जैसे ही करवाएंगे इसकी क्रिया, तो यहां पर देखिए अगर एच सी एल से करवाएंगे तो यहां पर ये निकल जाएगा एच ओ एच, यहां से निकल जाएगा एच ओ एच, है ना, ये ओ एच और एच मीन्स वाटर रिमूव हो जाएगा, बट अगर यहां पर थायमिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर हो जाएगा SO2 निकल जाएगा मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड, और यहां पर HCl निकल जाएगा HCl, और यहां पर एक Cl जो है यहां पर आगे जुड़ जाएगा, तो हम यहां पर HCl से रिएक्शन इसकी करवा रहे हैं, है ना, HCl से करवा सकते हैं, वैसे दोनों से किसी से भी आप करवाना चाहें, तो ये हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू, और यहां पर देखिए ये सी एल सी एल, अब ये हो गया क्लोरोइथेन या फिर एथिल क्लोराइड, है ना, क्लोरोइथेन वन क्लोरोइथेन भी कह सकते हैं, बट हम वहां पर यहां पर वन हम डिफाइन नहीं करते हैं। अब यहां पर स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में हम लेंगे यहां पर सोडियम एसिटिलाइड लेंगे, है ना, यहां पर ये हो जाएगा सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी निगेटिव चार्ज एन ए पे पॉजिटिव चार्ज, है ना, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किससे, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे क्लोरोइथेन से मीन्स सी एच थ्री सी एच टू सी एल। अब यहां से देखिए ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, यहां से एन ए ये इस प्रकार से निकल जाएगा, और यहां से सी एल ये इस प्रकार से निकल जाएगा, है ना, और एन ए सी एल निकल जाएगा, और यहां पर यह मिल जाएगा आपको सी एच थ्री सी एच टू, यहां पे हो जाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और ये हो गया आपका क्या, एथेन से
ब्यूट वन आयन। अब यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4 चार कार्बन है, तो चार कार्बन के लिए हम ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट। और वहां पर देखिए यहां पर ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन से लगा हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड यहां पर हाइफन का साइन लगाएंगे, वन लिखेंगे, यानी क्योंकि पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहां पर ब्यूट वन, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आयन लिखते हैं, है ना। वन अगर सिंगल बॉन्ड होता तो हम वहां पर एन लिखते, डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम आयन इन लिखते हैं, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर हम आयन लिखेंगे, मीन्स वाई एन ई इसके सफेक्स में लिख देते हैं। और इस प्रकार से ये कन्वर्जन आपका हो गया कंप्लीट, है ना। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट कन्वर्जन लेकर आएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू।